हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं अपूर्व जी को लेकर के, क्योंकि अपूर्व जी का नमस्कार। थोड़ा सा जो है अब जो है लोग चाहते हैं कि चेहरा बार बार देखा जाए। और मैं आपको अपूर्व जी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि अपूर्व जी काफी टाइम से ज्योतिष की दुनिया में है। और आप सोचिए, 5 साल सीखा ही है सिर्फ, है ना, उसके बारे में सर्च तो छोड़िए, अलग अलग है। और इसके अलावा एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेशंस और फैकल्टीज, है ना, मतलब पढ़ाना जो मैं करता हूँ, प्रेडिक्टिव लेवल 2 में इनकी क्लासेस भी हैं जैमिनी ज्योतिष के ऊपर और नवांश के ऊपर। नवांश की टेक्निक से कैसे BTR किया जाता है, शायद उसी उसी में थोड़ा बहुत ही आपको सिखाएंगे। उसके कुछ ग्लिम्सेज मैं डाला करूंगा यूट्यूब पे कभी कभी, है ना। तो चलिए, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं बाधक ग्रह पे। किसी ने पूछा था कमेंट सेक्शन में, या मेरे स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे, सब बाधक के बारे में बताइए कि बाधक क्यों बना, है ना, और बाधक बिल्कुल आया बिल्कुल कहाँ से, किस क्लासिक में कैसे आया, कैसे इसको हम यूज करते हैं, वो उसके ऊपर अपूर्व जी आप थोड़ी सी हमें जो है आज अपने ज्ञान की वर्षा करने वाले हैं कि बाधक ग्रह होता क्या है, क्यों है और कैसे है। तो चलिए अपूर्व जी, स्वागत है आपका और शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। बिल्कुल। सबसे पहले सर्वप्रथम तो धन्यवाद आपका सर कि दोबारा मौका दिया आपने, हैं, और अभी अपना जो भी थोड़ा बहुत समझ है इस ज्योतिष पे उसको साझा कर रहे हैं लोगों के साथ। तो धन्यवाद आपका जो आपके प्लेटफॉर्म पे आप हमें बार बार बुलाते हैं। तो सर्वप्रथम जो बाधक है, पहले तो हम ये समझते हैं कि बाधक से, बाधा से हम समझते क्या, रुकावट, ठीक है। किसी भी काम में आने वाली या किसी भी चीज की रुकावट, कोई बाधा आ गई। अब जैसे कि हम लोगों ने जो तय किया था कि बाधक का जो ये साक्षात्कार है ये कल की ही तारीख पे होगा, लेकिन कल जब तय हुआ कि ये बाधक का करना है तो कल वाकई बाधा आ गई और वो हो ही बिल्कुल नहीं पाया, तो ही है नहीं। ना। तो बाधा मतलब कोई रुकावट। जो छठा घर है, सबसे पहले सारी चीजों के लिए हम दिमाग में हमेशा रखेंगे कि काल पुरुष कुंडली दिमाग में हमेशा रहेगी, मेष लगन से मतलब वो, और वो उसी के बेसिस पे हम ये पहले डिराइव करते हैं। पहले ये हम समझते हैं कि बाधक बना कैसे। भाई कोई चीज समझनी है कि बाधक है क्या, तो ये भी समझना चाहिए ना कि बाधक बना कैसे, क्यों आया। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो जो प्रश्न मार्ग है उसमें सबसे ज्यादा इसकी डिटेल्स दी हुई है, प्रश्न मार्क पे, प्रश्न प्रश्न मार्ग में, है ना मार्क पे। जी, और यहाँ पर 2 मिनट का पॉज ले लें क्या, एक वो हो बिल्कुल। गई है, फिर इसको वो करना पड़ेगा। बस 2 मिनट का वक्त दीजिए, आप हाँ, कोई दिक्कत नहीं, देखें बाधा आ गई है ना बिल्कुल बाधा आ गई, जैसे बात करने बैठे और दोबारा बाधा आ गई। तो यही है बाधक। तो हाँ, सबसे पहले जो सर्वप्रथम मैं बात बोलना चाह रहा था वो ये था कि काल पुरुष की कुंडली हम रखेंगे दिमाग में अपने, और उसके हिसाब से समझेंगे कि बाधक कैसे बनता है। किसी भी भाव से, किसी भी भाव से वहां का छठा भाव जो होता है रुकावट पैदा करता बिल्कुल। है। कैसे? लगन आपका स्वास्थ्य है, शरीर, हाँ बिल्कुल। स्वास्थ्य है, शरीर है, हेल्थ है। छठा भाव बीमारी है, बिल्कुल। बीमारी हो गई, आपका स्वास्थ्य, आप रुक गए। तीसरा भाव आपका ट्रेवल से डील करता है ना, आपकी यात्राएं दिखाता है तीसरा घर। अष्टम भाव को देखिए आप, प्रश्न मार्क में ही या जहां तक ही है मुझे सही से अगर याद है तो प्रश्न मार्क में ही अष्टम भाव को बोला गया है कि नदी है वो। आप ये देखिए, बिल्कुल आप कहीं यात्रा करते रहे और बीच में एक नदी आ जाए तो आपकी बिल्कुल यात्रा रुक जाएगी, बिल्कुल है ना। तो छठा भाव सबसे पहले इंपॉर्टेंट बना कि छठा भाव रुकावट है, ये चीज हम समझ गए। ठीक है। अच्छा, एक बार एक बहुत ही बढ़िया एक भृगु एस्ट्रोलॉजर से, भृगु ज्योतिषी से
हमारी चर्चा चल रही थी इसी बाधक पे, तो उन्होंने कुछ बड़े अच्छे बातें हमसे शेयर की, तो वो हम पहले शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो काल पुरुष कुंडली का छठा भाव है कन्या, वो देखिए कि आपके भाग्य भाव नवम भाव का कर्म है। ठीक है, अगर आपका भाग्य में कुछ है तो आपने कुछ कर्म किया होगा, तभी तो आपके भाग्य में कोई चीज आई है। बिल्कुल पूर्व जन्म में आपने कुछ कर्म कर रखे हैं तो वो आपके भाग्य में आ गई। और दशम भाव से वो नवम भाव है, दशम भाव का वो भाग्य है। अब आप समझ रहे हैं कि ये दो जो सबसे मजबूत, सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र और त्रिकोण है ना, ये बिल्कुल छठा भाव उसके रेफरेंस से हमको देखना है। और इसीलिए छठे भाव में अगर कोई ग्रह पड़ा हुआ है तो वो जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह वही है। बिल्कुल। कि कभी करेंगे पिछला चर्चा चार, आप छठे आठवें बारहवें भाव। बिल्कुल पिछले क्या क्या ऋण आपके ड्यू हैं, पिछले बिल्कुल क्या क्या ऋण आपके बकाया है, वो छठा भाव। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए मेष से ये कन्या छठे स्थान पे आई। ठीक है। अब हमको यही काम करना है कि हमको कन्या से छठा और गिनना है। अच्छा तो जब हम कन्या से छठा गिनेंगे तो हम देखेंगे कि ये काल पुरुष कुंडली का 11वां घर आया, एकादश घर आया। ठीक है ठीक है, कुंभ राशि। तो इस तरीके से मेष लगन के लिए कुंभ राशि बनी बाधक। बिल्कुल। और शनि नेचुरल बाधकेश है सब लगनों के लिए, शनि, हाँ शनि इसीलिए नेचुरल कहते हैं बाधकेश है, पर मगर मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, जी। बाधक का जो कारक ग्रह है वो रहे राहु। जी अच्छा ग्रहों में जो सबसे भयंकर ग्रह वो है ठीक है राहु, वो बाधक कारक है। आप ये देखिए कि कुंभ का जो दूसरा स्वामी है वो है राहु, बिल्कुल। है ना, कुंभ का कोलोड। अच्छा, अब हम आपसे दूसरा रूल शेयर करते हैं। लगन का कारक ग्रह सूरज है ठीक है और हमने बोला कि बाधक का कारक ग्रह है राहु। ठीक है ठीक, एक चीज होती है ज्योतिष में जिसे हम कहते हैं सम पद और विषम पद। आप एक आगे की ओर बढ़ते हैं, एक कदम पीछे की ओर लेते हैं। ठीक है। ठीक और है ठीक विष्णु भगवान ने तीन कदम उठाए थे, तीन पग उठाए थे वामन अवतार में, तो हम तीन पग ही चलेंगे इस बाधक को समझने के लिए। ठीक, पहला पग सूरज, चूंकि लगन का कारक है तो वो सूरज चला एक घर आगे वृषभ में। ठीक, राहु हमेशा वक्री रहता है, तो अगर राहु कुंभ से एक घर पीछे चला तो कहां पे, कहां जाएगा, मकर में मकर में। जाएगा। तो वृषभ लगन के लिए मकर हो गया बाधक। अच्छा ये बात है अब हम सूरज के फिर एक आगे चले, हम चले मिथुन में। ठीक है। अब जब मिथुन में चले तो राहु मकर से एक घर पीछे फिर चला, धनु। धनु तो मिथुन के लिए धनु बनी बाधक। इंटरेस्टिंग ये तीन तीन स्टेप हमने लिए विष्णु भगवान वाले, त्रिणी पद। ठीक है, और सम और दोबारा विषम एक बार लिए। एक्सप्लेन कर दीजिए, कई वीरों को व्यूअर्स को थोड़ा मैं क्लैरिटी। इसे एक्सप्लेन करता हूं। इसका सिंपल समझने का सिस्टम यह है कि जो सूरज है ना, वो हमेशा जोडियाक वे में बढ़ता है। एक मेष में बैठा है तो वो वृषभ में जाएगा, फिर वो मिथुन में जाएगा, फिर वो कर्क में जाएगा, फिर वो सिंह में जाएगा, फिर कन्या में जाएगा, तुला में जाएगा, वृश्चिक में जाएगा, धनु में जाएगा, मकर में जाएगा, कुंभ में जाएगा, मीन में जाएगा, और वो वापस मेष में आ जाएगा। लेकिन अगर राहु की चाल देखेंगे हम, तो राहु की चाल तो वक्री है। राहु मेष में बैठा है तो राहु पहले आगे ना बढ़ करके पीछे जाएगा मीन में, ठीक मीन से है चलेगा वो कुंभ में, है ना। तो उसकी ठीक चाल देखिए, वो सूरज के जस्ट अपोजिट है। सूरज सीधा सीधा चल रहा है तो वक्री राहु उल्टा उल्टा चल रहा है। है। तो अच्छा अगर अभी हम आप सन को ले रहे हैं आगे की तरफ और राहु को पीछे की तरफ, राहु पीछे वक्री वक्र क्योंकि गति, सन इज द कारक ऑफ सेल्फ, मतलब लगन का कारक है लग्न सन। का प्राइमरी कारक है ना, महर्षि सन, पराशर अब ने बहुत कहा सारे लोगों कि को नहीं मालूम होगा, तुम्हें बता दूं कि सन हाँ रिप्रेजेंट सेल्फ, तो बहुत यस इंपॉर्टेंट है। लगन लग्नेश इज अ सेकेंडरी थिंग बट प्राइमरी इज सन, है ना। तो सन इसको थोड़ा सा यस क्लासिक्स में है लिखा हुआ, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, बहुत
बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है, तो अभी बता देता हूं कि सन रिप्रेजेंट सेल्फ, आपका फर्स्ट हाउस का कारक है सूर्य। फर्स्ट हाउस आपके प्राइमरी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है सूरज, जितना स्ट्रांग सूरज उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा, ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, तो इस बात को सपोर्ट करते हुए हम ये भी बताते हैं कि महर्षि पराशर सबसे पहले यही लिखते हैं कि लगन का जो कारक है वो सूरज है, धन भाव का कारक बृहस्पति है। तो उन्होंने पूरी कारक की हम लोगों को एक बनी बनाई लिस्ट बता रखी है कि ये फलाना है बिल्कुल। फलाना। अच्छा, अब हम दोबारा चलते हैं। पहले अगर व्यूअर्स हमारे समझ गए हो कि हमने मेष के लिए कैसे डिराइव किया था कि कुंभ बाधक बना मेष के लिए, ठीक है। ठीक। उसके बाद हम चलते हैं बाकी राशियों को डिराइव करने के लिए कि बाकी राशियों से हम कैसे डिराइव कर सकते हैं कि बाधक और कैसे बने। हम एक-एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे बस, ठीक है। जैसे कि लगन का जो कारक है वो सूरज है और बाधक का कारक है राहु। आपको ठीक अपने है। दिमाग में सिर्फ नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली लेनी है, एरीज एंड एक्वेरियस नोट कर लीजिए, एक्वेरियस नोट और कर ऐसा लीजिए। समझ लीजिए अब कि एरीज में सन बैठा हुआ है, राहु एक्वेरियस में बैठा हुआ है, ऐसे आप। राहु एक्वेरियस में बैठा है। अब हाँ हो क्या रहा है कि सूरज एक राशि आगे बढ़ा, वृषभ में आ गया, ठीक है और सेम टाइम पे राहु एक राशि पीछे चला तो बिल्कुल वो मकर में आ गया। तो आप ठीक है। देखेंगे कि वृषभ लगन के लिए मकर जो कि नवम भाव है वो बाधक बना, बिल्कुल ठीक। अब हम दूसरा सूरज को फिर एक कदम हमने आगे बढ़ाया और मिथुन में ले गए, ठीक है। और मकर से राहु का एक कदम पीछे ले, एक कदम फिर वहां से राहु ने बढ़ाया और हम ले आए उसको धनु पर। तो देखिए मिथुन लगन के लिए सप्तम भाव धनु बना बाधक। ठीक है। तो ये रहा डेरिवेशन ऑफ बाधक कि बाधक को हमने डिराइव कैसे किया। ये बहुत हार्डकोर एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं एकदम, मतलब पूर्णता इसको समझने बिल्कुल। वाली बात अभी अगर है उन ना। अभी की कोई अगर डिराइव करना चाहे तो कैसे डिराइव किया जाता है, निकलता कैसे चीज है, बीपीएचएस लिखा हुआ है, बीपीएचएस पढ़ेंगे, सूत्र श्लोक पढ़ेंगे, लोग सोचते हैं अरे ये तो कॉमन सी चीज है, ऐसे नहीं होता है। यही मैं बार बार कहता हूँ कि डेरिवेशन जो उसमें से हम निकालते हैं, इट्स वेरी ये कह लीजिए कि उसको बहुत डीपली सोचना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है। बिल्कुल अभी लोगों को जैसे आप ही कर रहे थे कि भाई सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में होगा तो ये आपने एक टेक्निक दिया, लेकिन वो निकला कहाँ से है ना, उसका मैं अभी निकला चर्चा कहां नहीं से है, करूंगा, लेकिन वो निकाला कहाँ से, वो कालपुरुष कुंडली से निकाला, तो ऐसा होता है। उसको हम कभी जब बिल्कुल हाउस लॉर्ड आप कभी चर्चा करेंगे मेरे साथ, तो मैं आपसे वो टेक्निक बिल्कुल निकालूंगा बिल्कुल कि भाई बताइए ऐसा क्यों था, और वो पराशर जी शायद वहां जैमिनी ऋषि से, आप जैमिनी ज्योतिष से आपने निकाला था, और वो अच्छा वो महर्षि पराशर का था, वो महर्षि पराशर के ही उसका है, हाँ। मतलब एकदम बीपीएचएस से ही बना हुआ वो एक टेक्निक था। तो बाधक तो अब लोगों को हम, समझ, हाँ हाँ क्यों यहां तक बाधक हम, मैं आशा करता हूं कि यहां तक एक बाधक समझ गए होंगे। जी बिल्कुल। बाधक का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वो प्रश्न मार्ग में, प्रश्न मार्ग में जितना डिटेल में जितना जितना सब कुछ उसके अंदर बाधक के ऊपर दिया उतना कहीं भी नहीं दिया। बाकी सब जगह अगर कोई क्लासिक में आप पाएंगे भी तो सिर्फ चर्चा मात्र है, ठीक है। जैसे पुल्ली पानी ज्योति धाम में लिखा हुआ है कि बाधक अगर नवम भाव में या बाधक 12वें भाव में बैठ जाए तो बाधक खत्म हो जाता है। ओ अच्छा तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें पाएंगे, ठीक है। अब यहां तक आशा करता हूं कि यहां तक हमारे दर्शक लोगों को यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, ठीक। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कितने प्रकार के बाधक हो सकते हैं, फिर उसमें से कोई एक चीज पे हम चर्चा करेंगे आज, ठीक। एक बिल्कुल एक ही विषय पकड़ेंगे। एक सबसे पहले ये होता है जो प्रश्न मार्ग में है कि जिस देवी देवता की पूजा हो रही थी पिछले जन्म में उसका श्राप, ठीक है। ठीक। इसका पूरा चैप्टर है कि कैसे देख सकते हैं कि आपको उन देवी देवता का श्राप लगाया गया। अच्छा फिर सर्प, सर्प देव जो होते हैं, सर्प सर्पों का श्राप, ठीक है कभी अपने माता पिता का श्राप, ठीक है। ठीक है। फिर आज बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती प्रेत बाधा बाधा, ठीक। तंत्र में ज्यादा तंत्र तंत्र दृष्टि बाधा, नजर लग गई है ना। और फिर अभिचर जो ये भूत पिशाच। तो चक्कर ये है कि कुछ चीजें तो दृश्य होती हैं, हमें समझ में आती है कि हाँ ये सारी चीजें दृश्य, जो अदृश्य चीज है वो बाधक है। आपको समझ में नहीं आ रहा ये चीज हो रही है मेरे साथ क्यों हो रही है,
वो है बाधक। और व्यूअर्स को मैं थोड़ा सा बता दूं कि बाधक किस लगन के लिए कौन बाधक होता है भाई। चर लगन जो है, एरीज हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, 1, 4, 7, 10 है ना, कालपुरुष कुंडली देख लीजिए, उसमें जो केंद्र में 1, 4, 7, 10 है, उनके लिए बाधक हमेशा 11वें भाव का लॉर्ड बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल टॉरस, टॉरस के लिए 2, 5, 8, 11 की जो लगन है ना, उनके लिए नवम भाव का स्वामी हमेशा बाधक हो जाएगा। अब लोग सोचते हैं कि यार नवम भाव तो भाग्य का है भाई, क्यों बाधक हो जाएगा, तो आपको थोड़ा रीजन यहाँ पे अभी थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। और जितने भी द्विस्वभाव राशि वाले लगन है, 3, 6, 9, 12, उनके लिए सप्तम भाव और सप्तमेश बाधक हो जाता है। चलिए ठीक। अब हाँ अच्छा, अब हम एक चीज पहले लोगों के दिमाग से ये हटाना चाहते हैं, इस पे स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि कोई भी भाव बाधक बना इसका ये मतलब नहीं कि उस भाव से समस्या आने लगेगी। भाई लोगों को मैंने ये चर्चा बहुत देखी कि 11वां भाव बाधक है, इनको तो दोस्तों से समस्या आ जाएगी, बड़े भाई से समस्या आएगी, ऐसा नहीं है। नवा भाव बाधक है तो इनको पिताजी से समस्या आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है। बाधक को इस्तेमाल करने के कुछ नियम है और वो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला, बाधक का संबंध छठे भाव से, जैसे अभी हमने शुरुआत में देखा कि कन्या राशि का कितना महत्व था और छठे भाव का कितना महत्व था। बिल्कुल ठीक, तो बाधक का जब भी संबंध छठे भाव से रहता है तब सबसे जरूरी होता है कि आप उस पर जरूर उसको फोकस। इंपॉर्टेंस दें, उसको समझें। ठीक ठीक है। है। अच्छा, छठे भाव का स्वामी अगर एक शुभ ग्रह है तो संभावनाएं फिर भी कम हो जाती हैं, लेकिन अगर एक पाप ग्रह है, मंगल बन के आ रहा है, शनि बन के आ रहा है, ये सारे पापी ग्रह अगर बाधक से संबंध बना लेते हैं तो ये शत्रु बाधक, मतलब शत्रु ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ करवा दिया, कर दिया। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज नोटिस करने वाली है कि पापी ग्रह से बाधक का संबंध होना चाहिए। बाधक भाव में अगर एक पाप ग्रह बैठेगा तो वो बाधक की सृष्टि करेगा, और बाधक भाव में अगर एक शुभ ग्रह बैठेगा तो वो बाधक को खत्म कर देगा। ठीक है, इतना इतना मेरे ख्याल से इतना सब कुछ क्लियर है यहां तक। ठीक है। अच्छा, पाप ग्रहों से भी संबंध होना बाधक का बहुत जरूरी है, खासकर कि जैसे हमने देखा कि राहु कारक है बाधक का, तो अगर बाधकेश के साथ राहु बैठा हुआ है तब समझ लीजिए कि वो भी बाधकेश के साथ राहु बैठ गया, छठे भाव का स्वामी उस पर दृष्टि कर दिया, ये बहुत ही भयंकर कॉम्बिनेशन बन गया क्योंकि। ठीक है। ठीक है, ये अच्छा, तो यहां तक ये हो गई। अच्छा, एक चीज मैं लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि कैसे ये देखते हैं कि हमारे पिताजी का या माताजी का भी कभी बाधक के माध्यम से, कैसे कि पिता या माता का श्राप हमें लगा हुआ है अच्छा या वो उनकी वजह से बाधा बन गई है। आप ये देखिए कि पहले बाधक, अगर जो बाधकेश है ठीक है। वो मेष राशि या वृश्चिक में बैठे, या बाधक मेष और वृश्चिक हो। ठीक, मेष और वृश्चिक मंगल के स्वामित्व में आती है, ठीक है। मंगल क्रोध को दिखाता बिल्कुल है ना। मत आप ये देखिए कि मेष या वृश्चिक में बाधक बैठा है और उसके साथ साथ सूरज बैठ गया उसी के साथ, तो ये पिताजी का पिछले गुस्से की वजह से या पहले की वजह से ये बाधक बन रही है। सेम चीज है अगर वो चांद के साथ बैठ गए तो माँ का कर्ज है। ठीक है। इसी तरीके से सिंह राशि में अगर बाधक बैठा है और उसके साथ मंगल या शनि बैठ गए तो पिताजी आपसे बहुत ज्यादा दुखी थे या गुस्से में थे, ऐसा आपने कर्म किया। इसी तरीके से कर्क राशि में अगर हो गया तो ये कुछ नियम बाधक की गाइडलाइंस हैं समझने के लिए कि ये कॉम्बिनेशंस जब होंगे तभी बाधक बहुत इंपॉर्टेंस रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अदरवाइज इतना मतलब हुआ नहीं है, कोई डरावना ये बात नहीं है कि बाधक बाधक बाधक। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं इसी बात पे, आप स्क्रीन शेयर का मेरे ख्याल से ऑप्शन बिल्कुल मैं आपके दे रहा हूं, होंगे, आप या ऑप्शन आप दे कुंडली बनाना चाहें तो आप ये कुंडली बना लें अपने, उसमें मैं आपको लीजिए, डिटेल मैं बता देता हूं। शेयर कर दिया, अब आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं बहुत आलसी आदमी क्योंकि उदाहरण भी देना जरूरी है कि भाई
लोग समझेंगे कैसे इसको, है ना। तो तो इसका मतलब ये है कि भी कोई कुंभ लग्न वाला है वो कहे अरे शुक्र तो मेरा राजयोग कारक प्लैनेट है, लेकिन वो बाधक बन गया अब तो ये बाधा देगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसको नॉर्मली ट्रीट करिए जब तक कि वो कुछ खास कॉम्बिनेशन नहीं बना के बैठा है आपके बर्थ चार्ट में, तब तक कोई कुछ ऐसा नहीं है कहानी कि भाई आपने पिता का ये किया फादर का ये किया या कुछ ऐसा किया, ऐसा कुछ कुछ नहीं है ना जब तक वो एक खास ग्रह के साथ युति नहीं बनाता। पाप ग्रहों की युति बहुत जरूरी है बाधक में, ठीक। अगर पाप ग्रह नहीं है और पाप ग्रह से अगर युति है, अच्छा ये भी बता दे कि पाप ग्रह से युति है और शुभ ग्रह ने अगर उस पर दृष्टि बना दी, बृहस्पति ने दृष्टि बना दी, शुक्र ने दृष्टि बना, तो ये जो शुभ ग्रह दृष्टि बना रहे हैं यही आपको बाधा दूर करने में मदद करेंगे। जैसे मैं कई बार आपका जैसे आपका सुन रहा हूँ अभी तो मुझे याद आ रहा है किसी का अभी नई नई गाड़ी खरीदा है तो फोर्थ लॉर्ड मंगल है और राहु के साथ है ना, और आप ये मान के चलिए कि बाधकीश है मंगल उनके चार्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बार बार उन्होंने गाड़ी लिया तो कहीं ना कहीं वो खराब या एक्सीडेंट हो ही रहे बार बार 4-5 बार, तो मुझे ऐसा आप लग रहा है ये कि देखिए ये कि क्या वो नजर। राहु, पहले सबसे पहला जो हमारा नियम था कि क्या वो राहु के साथ है बिल्कुल बिल्कुल है बाधक का कारक, बिल्कुल, और फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो अब आप समझ रहे हैं जब राहु एक ऐसा ग्रह है अगर वो बाधक के साथ बैठता है तो हमें बहुत उस पर बहुत खास ध्यान दे करके देखना चाहिए कि क्या क्या चक्कर है, नजर नजर क्योंकि लगना और ये सब होता हाँ है, बाधक इसमें ऐसे बाधक कॉम्बिनेशन भी होते हैं कि भाई जो आपका बाधक का कॉन्सेप्ट है कि भाई ये नजर वाला नजर किसी की लगे ये तो हाँ उसके दृष्टि बाद बाधा, दृष्टि बाधा, धर्म बाधा दृष्टि प्रीत बाधा। बाधा। मैं हाँ मैं आपको वो चीज भी अभी शेयर करता हूं। मैं ये एक चार्ट निकाला था, चूंकि नाम बदल दिया जाए, नाम शेयर करना ठीक नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा समय लग रहा था। जी अब हम आपको इसको दिखाते हैं कि शेयर स्क्रीन, ये देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है, जी बस थोड़ा थोड़ा अभी आ रहा है स्क्रीन। हाँ आ गया, बताइए। आ गई कर्क लग्न की कुंडली है, ठीक। ठीक है तो पहले पहले हमें यह देखना कि इसमें बाधक है कौन। अच्छा, इसमें तो चर लगन में 11वें भाव का स्वामी बाधक होता है ग्यारह ना, ग्यारहवा भाव का स्वामी बाधक हो गया और ग्यारहवा घर बाधक हो गया। जी मेष कर्क और तुला और मकर लगन वालों के लिए 11वां भाव का ग्यारहवा स्वामी घर का बाध बिल्कुल। की जी। उसके बाद मैंने नियम क्या बताया कि छठे घर का अगर कोई भी संबंध है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको तुरंत कंसिडरेशन में लीजिए कि हाँ यहाँ पे हमें देखना है। तो आप ये देखिए कि इसमें छठे भाव का स्वामी कर्क लग्न में बृहस्पति है, ठीक है बृहस्पति देखिए बैठा हुआ है बाधक में, ठीक। बाधक हाउस में ठीक है लगन को भी दृष्टि, मतलब लग्नेश पे भी दृष्टि है और लग्नेश की इस पे परस्पर दृष्टि, ठीक है लगन भी इन्वॉल्व हो गई बुरी तरीके से, ठीक। पाप ग्रहों को आप देखिए तो शनि पाप ग्रह इसमें विराजमान है, ठीक है ठीक। उसके साथ साथ सूरज भी है ना, सूरज पापी ग्रह तो नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह जरूर है, लेकिन शनि हमारा जो एक भयंकर पाप ग्रह है वो इसके संग मौजूद है। जी अच्छा इस बच्चे को कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रेस आउट नहीं हो पा रही, ठीक। ये अचानक घर वालों को ही चक्कू लेके दौड़ जाता है मारने के अच्छा लिए, ठीक है। आवाज वगैरह बदलना और ये सब मतलब बड़ा वो है ना। तो मेडिकल टर्म्स में इसको ये भी है कि भाई सिजोफ्रेनिया है, लेकिन आप ये देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ और भी चक्कर है। अब फिक्सिंग करने वाले तो बोलेंगे जी मंगल लग्नेश नीच का है जी, 4th हाउस में तो ऐसा है वैसा है, ठीक है वो हमें समझ वो रहे अपनी हैं। जगह ठीक है, लेकिन आप अगर बाधक को यहां पर नहीं देखेंगे तो आप ये सारी चीजें ओवरलुक कर जाएंगे। बिल्कुल यहां प्रॉब्लम बाधक का है, और किस तरीके की बाधा हो सकती है इसका अनुमान। ये किस तरीके की बाधा हो सकती है ये प्रश्न करने पे बहुत अच्छे से पकड़ में आता है। अच्छा
ठीक है, यहां से भी आप समझ सकते हैं कि क्या है ना। मैं अभी अच्छा उतना और डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसके लिए और थोड़ा सा एक डिटेल बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा कि कैसे देखते हैं, कितनी चीजें और इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वरना ऐसे एक इतनी जल्दी एक इस चीज का ओवरव्यू देना मुश्किल है। लेकिन प्रश्न करने पे ये बहुत साफ साफ ये सारी चीजें पकड़ी जा सकती है, इसीलिए प्रश्न मार्ग में ये इतने सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहां तक ये चीज समझ में आई होगी। ये आपको बादकेश के मामले में कभी आपको चिंतित होना है। मकसद सिर्फ इस वीडियो का ये है कि बादकेश के मामले में आपको चिंतित तभी होना है जब उसका संबंध सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड और शनि, राहु, मंगल जैसे प्लैनेट की दृष्टि या कंजंक्शन कुछ ऐसा होगा, तभी बादकेश का आपको एक उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, उसके बारे में सोचने की जरूरत है। भले फिर वो आपका नवम का लॉर्ड है, भले वो आपका फिफ्थ लॉर्ड है, या कोई भी लॉर्ड है, राजयोग कारक प्लैनेट जिसको लोग बोलते हैं कि अरे राजयोग कारक है बाधक बिल्कुल कौन। तो पहले बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझिए कि वो बाधक क्यों बना, और उसके बाद ये देख रहा कि भाई ये बाधा है तो कौन सी बाधा है। बाधा मतलब रुकावट जो पैदा कर दे आपके किसी काम में। भाई लगन लग्नेश के ऊपर अगर बाधक का प्रभाव आएगा तो आपके फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल कुछ दिक्कतें आपको रहने स्टार्ट हो जाएंगी कुछ, तो उसमें प्रेत बाधा है, धर्म बाधा है, आपका दृष्टि बाधा है ना, ये और ये सारी आपने चीजें चित्र, आती हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे दृष्टि बाधा की आपने चर्चा की है ना, तो मैं ठीक उसका है कॉम्बिनेशन बता देता हूं। बाधक लगन पर बैठ जाए, अच्छा ठीक है, और मंगल लगन को देखता हो। आप ये देखिए, यहां पर भी देखिए कि कारक का कितने बढ़िया से इस्तेमाल किया है। जो छठे घर का जो नैसर्गिक कारक है वो है मंगल, ठीक है हाँ है ना। आप देखिए, बाधक लगन में बैठा और मंगल उसको दृष्टि कर दिया, ठीक है तो हाँ बन गई दृष्टि बाधा। तो कभी भी कोई कोई अपने ऊपर अगर ये प्रश्न के माध्यम से अजमाना चाहता है, तो ये चीज एक कॉम्बिनेशन मैंने लोगों के साथ साझा कर दिया कि आप देखिए कि बाधकेश कहाँ बैठा है। ओ अच्छा और फिर इसको हटाने की भी रेमेडी बता रहा हूं, इसको हटाने की भी रेमेडी बता रहा हूं। अगर देखिए कि कोई शुभ ग्रह इस पे दृष्टि कर रहा है, बाधक पे, बाधक घर पे या बाधकेश पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि कर रहा है, उसी चीज से वो बाधा हटाई जा सकती है। जैसे बृहस्पति है ना, बृहस्पति मीठे को रिप्रेजेंट करता है, तो नजर तो जो उतारते हैं हमारे घर वाले वैसे तो उतारते ही हैं, लेकिन मीठा भगवान को ऑफर करके और प्रेयर करना, ठीक है, तो इस तरीके से वो शुभ ग्रह बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाते हैं। हम उनको एक तरीके से कहते हैं ना कि एक्टिवेट कर दे रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे कई बार हिमाचल जो मेरा इलाका है, जैसे आज समझ लीजिए तंत्र तो बहुत ज्यादा है, किन्नौर साइड, सिरमौर साइड हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे तंत्र बहुत है। और ऐसा तंत्र है कि आप सोच रहे ऐसा हो सकता है क्या, मतलब जो ये कोई बोलता है ना कि ये कुछ नहीं होता, उनको वहां जाना चाहिए तो उन्हें पता चलेगा कि तंत्र क्या चीज है। क्या होता है? तो कई बार मैंने देखा है मंदिरों में वो लोग क्या करते हैं कि गुड़ का बना हुआ जो वो हलवा जिसको हम कहते हैं, उसको बोलते हैं कढ़ाई, कढ़ाई कढ़ाई अच्छा बनाई, कढ़ाई अच्छा मतलब क्योंकि वो कढ़ाई में बनाया जाता है, और कढ़ाई उसको में बनाया जाता है। फिर उसके उसको एक ऐसे नहीं कि उसको किसी थाली में ले लिया, नहीं उसके लिए एक स्पेशल वो पेड़ का पत्ता है ना उसमें उसको रख के फिर उसके ऊपर से उसको वार करके वो मंदिर में किया जाता है स्पेशली। तो बोला जाता है इसके ऊपर किसी की छाया पड़ गई है या दृष्टि वो नजर लग गई है तो वो थोड़ा हो जाएगा उसको, तो ऐसा मतलब वो एज अ रेमेडी उसको करते हैं। मीठा का तो जो देखिए ना, आपने बात किया, मीठा जिक्र हाँ किया, मीठे जैसे की अगर बात हाँ, तो बृहस्पति देख रहा है उसको, बिल्कुल तो बृहस्पति से बड़ा शुभ ग्रह कौन है, तो उसके माध्यम हम उसका इस्तेमाल करते हुए वो चीज कर सकते हैं, तो उसकी रेमेडी भी है। तो मैं इसलिए इसको भी बता दिया कि आम आए दिन, मतलब जो हमारी छोटे बच्चे हैं या माताएं हैं, बच्चे उनको तो लगता रहता है कि हमारे बच्चे पे नजर लग गई, ये लग गई, तो अगर वो थोड़ा भी ज्योतिष को समझते हैं तो वो लोग प्रश्न करके इस माध्यम से समझ सकते हैं कि ये एक
और बाधक तो अपने आप में एक पूरा चैप्टर बाधकेश के ऊपर है, प्रश्न मार्ग में बहुत सारी चर्चा है इसके ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उसको बहुत उसको एक पूरे वीडियो में कवर करना इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी नहीं, वो एक तो बहुत आइडिया। बहुत 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 हाँ, वास्ट क्योंकि वो उसमें बाधा लिखा है, हुआ वो है। बहुत प्रकार की है भाई, किस प्रकार की बाधा है, बट स्टिल लोगों को जो एक भय है कि अरे मेरा बाधकेश है ऐसा कर देगा, नहीं, उसका कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप अपने चार्ट में अप्लाई करिए। और बाधक बना क्यों, इसके थोड़ा सोचिए कि क्या कॉन्सेप्ट पूर्व जी ने आपको थोड़ा सा ही हिंट दिया है, लेकिन काफी है। तो चलिए आज का वीडियो आई थिंक एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, चूंकि मैंने ये बात बोली कि बाधक का कारक है राहु, आप एक चीज और अच्छी चीज मैं बता रहा हूं कि बाधकेश के समय में भी आदमी विदेश की यात्रा कर सकता है। राहु विदेश को दर्शाता है, ठीक, तो जब वो कारक है बाधक का, तो जो बाधक का भी अगर दशा रहती है कभी इररिस्पेक्टिव ऑफ वो, आप उसमें भी विदेश जा सकते। बिल्कुल, अब राहु की दशा में आदमी फौरन जा रहा है, अगर वो बाधकेश ही है तो जाया जा ही नहीं सकता, तो हाँ, इसका मतलब बाधक ये है कि कारक है वो। हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये है कि बाधकेश हमेशा आपको रुकावट पैदा नहीं करता है, देर आर सर्टन कंडीशंस विच मस्ट बी फुलफिल्ड इन योर बर्थ चार्ट। तो चलिए, ये आज का वीडियो है, आई होप व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा, और अगला जो वीडियो रहेगा हम उसके 6, 8, 12 हाउसेस को कैसे हम समझ सकते हैं, उसमें प्लैनेट्स कैसे रिजल्ट्स दे सकते हैं, उसको कैसे हम डिकोड कर सकते हैं, मिस्ट्री क्या है 6, 8, 12 भावों की, बहुत तगड़ी मिस्ट्री है। लोग तो जनरली सोचते हैं कि भाई विपरीत राज्यों की मिस्ट्री है ना, अपूर्व जी और मैं डिस्कस कर रहे थे, तो अपूर्व जी ने बहुत अच्छे इसके पॉइंट्स बताए हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जल्दी, और आप सब लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।